अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलें जी, मैं आप लोगों के लेके आ गई हूँ ज़बरदस्त वीडियो, ज़बरदस्त से ड्रेसेस के डिज़ाइन। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलें जी, ये जो आप मैं आज वीडियो लेके आई हूँ, ये सिंपल से ड्रेसेस की वीडियो है और इस पर बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है ड्रेसेस पे, तो डिसेंट सी डिज़ाइनिंग हुई है। तो आप लोग भी अगर आपका प्रिंटेड सा ड्रेस है तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जब मेरे एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस जो आपने देखे हैं ईद के लिए मैंने बनवाया पिछले वीडियो में, तो ये जो वीडियो है इसका पार्ट टू है। इसमें सिंपल ड्रेसेस हैं। चले जी, सिंपल ड्रेसेस को हम किस तरह स्टिच करवा सकते हैं, किस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो इस वीडियो में दिखाया गया है। चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ट्राउज़र देखते हैं। ये देखिए है इसका ट्राउज़र। ये ड्रेस जब अनस्टिच था तो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई थी कि हम प्रिंटेड ड्रेसेस को किस तरह स्टिच करवा सकते हैं। ये देखिए आगे इलास्टिक डली हुई है, तो नीचे से ये आप देख सकते हैं इस तरह ये ट्रायंगल जिसे हम समोसियाँ बोलते हैं, इस तरह ये बना के लगाई गई हैं, मोती दिया गया है। अगर हम चाहते नीचे से ये कपड़ा हटा भी सकते थे क्योंकि मुझे ऐसे ही चाहिए थे। ये देखें कैसे लग रहे हैं। चलिए जी, कैसा लगा आपको ये ट्राउज़र ज़रूर आएगा। ये देखें कितना अच्छा ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस तरह। ये देखें इधर पट्टी बारीक से लगाई गई है, इधर लगाई गया है, उस पट्टी के अंदर ये दोनों दिए गए हैं, ये इधर दिया गया है, ये इधर दिया गया है। ये देखें इस तरह आप शर्ट के नीचे बना सकते हैं, स्लीव में बना सकते हैं। चलिए ये देखें, ये हो गया ट्राउज़र। हम आते हैं इसकी शर्ट की तरफ। ये देखें ये है शर्ट का फुल ओवरऑल लुक। ये देखें इसका कलर ही बड़ा खूबसूरत है। ये मैंने जब स्टिच नहीं हुआ तब भी आप लोगों को दिखाया था। चलिए सबसे पहले इसकी नेकलाइन ये देखें इस तरह का इसका प्रिंट हुआ था, तो इसके सिंपली बस ये मोती लगा दिए हैं इस तरह। तो ये देखें अब नीचे से दिखाती हूँ, इस तरह की जो साइड पर पट्टी होती है ग्रीन पट्टी, ये इस तरह लगाई और साइडों पर आप देख सकते हैं। ये देखिए पीछे भी इसी तरह डिजाइनिंग हुई है, ये आप देख सकते हैं। चलिए जी, ये देखिए इसकी डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, ये इस तरह एक ट्रायंगल, एक मोती ट्रायंगल, ये ग्रीन कलर का, एक फ्रोजी कलर का इस तरह अटैच किया गया फुल यहाँ तक। ये भी देख सकते हैं आप यहाँ तक। ये देखें इसकी स्लीव आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत इसकी स्लीव बनी हुई है। ये देखें आगे ग्रीन पट्टी है। इसकी बैक ऊपर से सिंपल है, नीचे से इस तरह है। ये देखें इस तरह डिजाइनिंग हुई है। दो फ्रोजी दो ग्रीन लगे हुए हैं, इस साइड पे भी सेम इसी तरह है। चलें जी, कैसा लगा फर्स्ट ड्रेस ज़रूर आइएगा। ये देखें इस तरह साइडों पे डिज़ाइनिंग हुई है, आप इस तरह करवा सकते हैं, जिसे हम समोसियाँ कहते हैं, ट्रायंगल इस तरह। ये देखें बने हुए, ये इसकी स्लीव है। ये देखें ये इसका दुपट्टा। ग्रीन कलर का ये देखें, ये है सेकंड ड्रेस, ये विलोन का है, ये आप देख सकते हैं। तो पीच सा इसका कलर है। तो ये देखें सबसे पहले इसका ट्राउज़र, ये सिंपल सा इसका ट्राउज़र है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर इलास्टिक डली हुई है आगे से, ये देखें सिंपल है। तो इसकी स्लीव भी सिंपल है, बस आगे से लेस लगी है। ये देखें इसकी नेकलाइन बड़ी प्यारी है, ये देखें गोल शेप में गला है, नीचे पट्टी बनी है और लेस लगाई गई है, साथ लेस अटैच की गई है और साथ में ये टसल्स अटैच किए गए हैं। ये देखें नीचे से ये सिंपल है, ये आप देख सकते हैं इस तरह। तो ये भी रेडीमेड है, ये देख सकते हैं। तो जी कैसे लगे दोनों ड्रेसेस जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा आपको मेरे ड्रेसेस कैसे लगते हैं, मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है, और आपको इन वीडियो से आइडियाज़ दिया करें और अपने ड्रेसेस स्टिच करवाया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपका वीडियोस कैसी लगती हैं। और जिसने इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी हो ड्रेस से रिलेटेड, तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। तो चलिए जी, मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसका दुपट्टा है, ये आप देख सकते हैं।
इस तरह के दुपट्टे के कॉर्नर पे लगे हुए हैं, ये देखें इस तरह बॉर्डर है।